हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी मैक्रोनी की रेसिपी लेकर आए हैं, जो बहुत ही जल्दी आप 10 मिनट में बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं। आप इसे सुबह के नाश्ते में या शाम को भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके लिए जो रेड वाला बटन है इसे प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिए। तो माइक्रोनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई में 1.5 लीटर पानी रख दिया है। अब हम यहाँ पे ये नमक ऐड कर देते हैं 1 चम्मच, और 1 चम्मच हमको तेल डाल देना है जिसमें ये माइक्रोनी आपस में चिपके ना। अब हम पानी में बॉयल आने का वेट करते हैं। और अब पानी में बॉयल आने लगा है, अब हम माइक्रोनी डाल देते हैं। हमने यहाँ पे ये 2 कप माइक्रोनी ले ली है, ये लगभग 250 ग्राम है। अब डाल देना है इसको और एक बार चला देना है। अब इसको हम 85% तक अच्छे से कुक कर लेंगे, और आप इसको बीच बीच में चलाते रहिएगा जिसमें ये माइक्रोनी तली से जाके ना चिपके। और अब ये माइक्रोनी बॉयल हो चुकी है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से आप एक लीजिए और नाइफ से कट करके देख लीजिए, ये देख। और बस अब हम इसका पानी निकाल लेते हैं और इसको ठंडे पानी से धुल लेना है। ठंडे पानी यानी कि जो सादा पानी होता है उससे धुल लेना है, जिसमें इसकी ओवर कुकिंग है वो बंद हो जाए। और अब एक बर्तन के ऊपर ये हमने इस तरह से छन्नी लगा ली है। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली सिंक में भी धुल सकते हैं। और अब हम ठंडे पानी से इसको एक बार धुल लेते हैं, जिसमें इसका एक्स्ट्रा स्टार्च भी निकल जाए और इसकी ओवर कुकिंग भी बंद हो जाए। और अब इसको एक साइड में रख देना है। और अब उसी कढ़ाई को हमने साफ कर लिया है अच्छे से, गैस ऑन कर दी है। अब यहाँ पे हम 1 चम्मच तेल डाल देते हैं। और तेल को अच्छे से गरम कर लेना है। और अब ये तेल अच्छे से गरम हो चुका है, अब हम यहाँ पे ये 1 चम्मच लहसुन हमने काट लिया था बारीक, ये डाल देना है। और एक बार इसको आप चला लीजिए और 1 मिनट तक भून लेना है। और अब हम यहाँ पे प्याज डाल देते हैं, ये 2 बारीक प्याज हमने कट किए हैं। और इसको चला देना है और फुल फ्लेम पर हम इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेते हैं, जिसमें इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। और अब हम यहाँ पे टमाटर ऐड कर देते हैं, ये 2 टमाटर हमने कट किए हैं। चला देना है। और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। चला देना है। अब इसको बस थोड़ी देर पका लेना है ताकि हल्का सा टमाटर सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। और अब गाजर हम डाल देते हैं, ये 1 गाजर हमने कट की है। 1 शिमला मिर्च कट करके डाल देना है। आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी वेजेस डाल सकते हैं यहाँ पे। और 1 हरी मिर्च हमने काट ली है इस तरह से, ये डाल देना है। और अब चला देना और इसको ढक के हम 1 मिनट तक पका लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। और अब खोल के हम इसे चेक कर लेते हैं, एक बार चला दीजिए आप। अब यहाँ पे हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं, 1/2 छोटा चम्मच ये मिर्च पाउडर डाल देना है, और 1/2 छोटा चम्मच ये कुटी हुई काली मिर्च डाल देना है।
और अब हम इस मैक्रोनी का टेस्ट बढ़ाने के लिए एक मैजिक मसाला डाल देते हैं, यानी कि ये मैगी का जो आता है ये मसाला मैजिक, ये डालने से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। ये पूरा पैकेट हम डाल रहे हैं यहाँ पर, और अब बहुत थोड़ा सा पानी डाल देना जिसमें ये मसाले जले ना, बहुत थोड़ा सा ही डालना है, और इसको चलाते हुए हम लगभग 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। और अब हम यहाँ पे थोड़े से सॉसेज ऐड कर देते हैं, 1 चम्मच भर के शेजवान सॉस डाल देना है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और 2 बड़े चम्मच भर के हम यहाँ पे टोमेटो केचप डाल देते हैं, और अब इसको चला देना है। 1 मिनट तक हम इसको पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। और अब जो हमने मैक्रोनी बॉयल करके रखी थी ये डाल देना है। और एक बार अच्छे से चला दीजिए नीचे से ऊपर तक, जिसमें ये मसाला है और ये सॉस सब अच्छे से मिक्स हो जाए। ये मैक्रोनी बहुत ही टेस्टी बनती हैं, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब हम यहाँ पे ये 1 चम्मच सोया सॉस डाल देते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। और अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। और अब हम यहाँ पे इसको सिर्फ 1 मिनट तक पका लेते हैं, फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही हैं, ये बहुत ही अच्छी बनी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। और अब देखिए हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है, अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, आपको कैसी लगी ये रेसिपी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। आप मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स लोगों से भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।